हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोलबोल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। जैसे अगर मैं आज के एपिसोड स्पेशली संडे के एपिसोड की बात करूं तो हम जानते हैं सैटरडे संडे सलमान खान का दिन होता है। वहीं सलमान खान आज थोड़ी चिल नजर आए क्योंकि कल के एपिसोड में उन्होंने जमकर ले ली थी सबकी क्लास। वहीं पे वाइल्ड कार्ड एंट्री जब से बात हो रही थी, विशाल सिंह घर के अंदर जा रहे हैं, फाइनली वो घर के अंदर पहुंच चुके हैं। वहीं पे विशाल सिंह आदित्य के इंटरव्यूज भी हो चुके हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजों के खुलासे किए हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि उनका घर में किसके साथ जमने वाला है, किसके साथ नहीं जमने वाला है, ये सारी चीजें आप कल देख सकते हैं बुलबुल बॉलीवुड पे। वहीं अगर मैं घर की शुरुआत की बात करूं तो जहां पे शावर गेम के लिए इस बार चुने गए थे कपल्स, मतलब कपल्स की तरह लोग अंदर जाएंगे, दो लोग एक साथ जाएंगे और शावर का मजा लेंगे। जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे उसके गलत जवाब मिले तो उन दोनों के ऊपर इस बार बहुत इंटरेस्टिंग था। वहीं बलून्स तोड़े गए हैं गलत फहमियों के साथ में। अपने फिल्म प्रमोशन के लिए मर्जिया फिल्म स्टार का घर के अंदर गई थी और उसी के साथ सलमान खान ने बहुत सारी रिवील्ड की है बातें कि वो कब शादी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि चीजें क्या और कैसी हुई है घर के अंदर, जहाँ पे सलमान खान आए और पहले घर का माहौल उन्होंने दिखाया और उन्होंने ये बोला कि पहले मैं देख लेता हूँ घर का माहौल कैसा है। तो लोग बहुत आराम से बात करते हुए नजर आए अपने कनेक्शन को कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला आसिम के साथ। वहीं शहनाज पारस से बात कर रही थी अपने कनेक्शन को लेके, पर शहनाज और पारस की बातें माहिरा को नहीं अच्छी लगी और माहिरा उस बात को लेके रोने लग गई कि आप लोग लव ट्रायंगल मत दिखाने की कोशिश कीजिए जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। वहीं पारस उनके पास गए, उनके पास जाकर वो बैठे और उन्होंने ये बात कहा कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, इस तरह का नहीं है। तो माहिरा ने बोला कि मैं यहाँ पे अकेले खेलना है और अब मुझे अकेले ही खेलना है, मैं किसी की इसमें खेलने नहीं आई हूँ। माहिरा कब किस बात से नाराज होती है, कब वो खुश होती है, कब उन्हें जलन होता है, कभी वो दोस्ती का कहीं ना कहीं ये बात कहती कि मेरा इनके साथ सिर्फ दोस्ती है, कभी प्यार साफ तौर पे नजर आता है। लेकिन एक चीज है, जब भी शहनाज और पारस साथ होते हैं और वो दोनों हंसते रहते हैं, वो माहिरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उस बात को लेके किसी ना किसी टॉपिक पे रूठ जाती है और फिर उन्हें मनाने के लिए पारस पहुंच जाते हैं वहीं पे। ये सारी चीजें घर के अंदर हुई थी। वहीं सलमान फिर घर के अंदर गए और उन्होंने इस बार, मैं आपको स्पेशली एक चीज बता दूं, सुल्तानी अखाड़ा जो हर संडे लड़ा जाता है, इस बार ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि इस बार चीजें थोड़ी और अलग तरह से करनी थी और वाइल्ड कार्ड विशाल आदित्य सिंह को घर के अंदर भेजना था, जिसकी वजह से इस टास्क को इस बार नहीं रखा गया है अखाड़े में कौन जाएगा और कैसा गेम खेलेगा। वहीं पे जहां पे आपको मैं बता रही थी सिद्धार्थ घर के और रितेश घर के अंदर अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए गए थे, तो पहले वो स्टेज पे आए, सलमान के साथ उन्होंने जमकर बातें की है। उसी के बाद उन्होंने ये भी बात कहा है कि हम घर के अंदर गए थे, मतलब उन्होंने मंच पे ये बात क्लियर की कि हम घर के अंदर गए थे और हमने घर के अंदर ये बात कहा था कि आपको हम भरास अगर किसी ऊपर निकालने के लिए बोले, मतलब आपके दिल में जो भी है उस इंसान पे भोपू पे आप लोग वो बात जाके उन्हें कह सकते हैं और किसी एक को उसके लिए चुना जाएगा और वो जाएगा और भोपू पे ये बात कहेगा कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने दिल की जो भी चीजें आप उस पर उतार सकते हैं। ये चीजें हुई थी। वहीं रितेश और सिद्धार्थ घर के अंदर जब गए और सिद्धार्थ जब घर के अंदर जा रहे थे तब भी उन्होंने स्टेज पे ये बात कहा था, एक सिद्धार्थ ऐसा एक सिद्धार्थ वैसा जिसको टारगेट किया जा रहा है। वहीं पे सिद्धार्थ ने ये बात कहा भी कि जी हाँ, शुक्ला जी को जब मैंने इस गेम के लिए बोला तो शुक्ला जी का ही हर किसी ने नाम लिया था, तो उन्हें बुलाया गया। तो जहां पे लोगों ने एक दूसरे के बारे में बात किया कि जी हाँ ऐसा हुआ है, वहीं देवो और शेफाली की दुश्मनी अब साफ तौर पे आने वाले वक्त में नजर आएगी क्योंकि देवो ने शेफाली को लेके ये बात कह दिया है कि जब भूपू इसका हुआ था तब देवो ने शेफाली को लेके ये बात कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि देवो जो है शेफाली जो है वो अच्छी कैप्टन नहीं है क्योंकि वो पार्शियल होती है, वो अपनी टीम को ज्यादा सपोर्ट करती है और एज अ कैप्टन उन्हें ये नहीं करना चाहिए। वहीं जब शेफाली को ये मौका मिला तो शेफाली ने उनको धमकी दे दी कि अगर आपको मेरे साथ अच्छा करना तो आप मेरी गैंग में आ जाइए, आप मेरे साथ दोस्ती कर लिए, सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। वहीं रश्मि ने सिद्धार्थ शुक्ला को बुलाया, सिद्धार्थ शुक्ला ने रश्मि को बुलाया, रश्मि ने ये कहा कि आप मुझसे उलझने की कोशिश मत कीजिए, अब जो चीज है आप अपने हद में रहिए और मैं अपने हद में रहूंगा। वहीं पे सिद्धार्थ शुक्ला ने ये बात कहा है कि हम रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ थे, रियल लाइफ में नहीं, तो आप मेरे खानदान को कितना जानती कितना नहीं जानती आप ऑन स्क्रीन मत बात कीजिए। ये सारी चीजें हुई थी और भी सारी चीजें थी घर के अंदर, सब एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें कही। सिद्धार्थ शुक्ला को काफी लोगों ने बुलाया है, शहनाज ने आके उनसे ये बात कहा है कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे पर अब मैं आपकी बहुत बड़ी दुश्मन हूं और देखना अब मैं दुश्मनी बहुत अच्छी तरह निभाऊंगी। ये सारी चीजें घर के अंदर हुई थी। वही सलमान खान जब घर वाले लोग से मिले थे तो उन्होंने उनकी
खास तौर पे ना नाराजगी साफ तौर पे शहनाज के लिए अब नजर आती है, क्योंकि जहां वो शहनाज को इतना ज्यादा सपोर्ट करते थे वहीं आज वो शहनाज से काफी नाराज नजर आते हैं घर के अंदर, क्योंकि शहनाज की कंट्रोवर्सी जो हिमांशु और शहनाज को लेकर थी आज भी उस टॉपिक पे जम के सलमान ने बात की है। और ऐसा कह सकते हैं कि सलमान इस टॉपिक पे इसलिए ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि हर बार जब भी हफ्ते भर की जो मैं बात कहूँ शहनाज हर चीज के लिए बिग बॉस को ब्लेम कर रही थी कि वो जानबूझ के सारी चीजें की, वो जानबूझ के ये किए, कहीं कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि सलमान उस चीज का बदला लेते हुए अब नजर आ रहे हैं, जहां पे शहनाज ने उल्टा जवाब सलमान को देने की कोशिश की और सलमान उन पे हर चीज पे बरस जा रहे थे। उन्होंने हिमांशी को ये बात कहा कि ऐसा कौन सा आपका गाना है जो आप यहाँ पे गा के सुनाएंगी जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, तो हिमांशी को ये बात समझ में नहीं आया। हिमांशी ने हाई हील उनका जो गाना था उसको गाया, पर सलमान का कहीं ना कहीं इशारा वो था कि जिस गाने पे कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी मुझे वो गाना सुनना है। हिमांशी ने कहा मुझे वो गाना याद भी नहीं है, पर उस गाने को शहनाज ने गाया, तो इस बात पे सलमान ने कहा कि मतलब आपको इतना याद है कि आप उनका गाना गा रही हैं। वही शहनाज ने ये बात कह दिया कि जी हाँ मुझे तो याद है, पर आप जानबूझ के कंट्रोवर्सी की बात मत उठाइए, जिस पे सलमान नाराज हो गए। सलमान ने उनको ये बोला कि आप मुझे मत सिखाइए क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब सलमान और शहनाज की जो दुश्मनी अब साफ तौर पे शहनाज भी सलमान को जवाब देते हुए नजर आते हो। सलमान को ये चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उनसे कोई सवाल जवाब करे, क्योंकि वो जवाब भी खुद अपने आप को देते, सवाल भी खुद ही पूछते, तो उनसे कोई ना करे, तो ये सारी चीजें नजर आई थी। वही खेसारी को उन्होंने ये कहा कि आपके जो गांव वाले यूपी बिहार वाले हैं वो मुंबई आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो खेसारी ने बोला ऐसा क्यों, तो सलमान ने कहा क्योंकि आप तो नजर ही नहीं आ रहे तो वो सोचे आपसे यहीं आके मिल लिया जाए। वही जो भी जैसे हम सब जानते हैं कि हेलो पे इस बार ऐसा था कि कोई एक जो विनर बनेगा वो आएगा स्टेज पे और सलमान के सामने वो सवाल पूछेंगे, वही एक लड़का आया जिन्होंने खेसारी से ये सवाल पूछा कि सबको बहुत उम्मीद थी कि आप नजर आएंगे पर आप नजर नहीं आ रहे, जबकि आपने ये कहा था कि मैं महाभारत का कृष्ण बन के जाऊंगा और मैं अपना चक्र चलाऊंगा और मैं लोगों को कहीं ना कहीं सिखाऊंगा, पर आप तो खुद ही नहीं नजर आ रहे, कब आपका वो चक्र चलेगा, कब आप हमें कृष्ण में नजर आएंगे। वहीं खेसारी को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि वो घर में नहीं नजर आ रहे, और घर में ना नजर आने का मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी घर से बाहर जा सकते हैं। ये चीजें घर के अंदर हुई थी। वहीं सलमान रितेश और सिद्धार्थ के साथ जब स्टेज शेयर कर रहे थे, पानी पूरी का उन्होंने गेम खेला, जहां पे उन्होंने ये कहा था सलमान ने कि वो खाते, सलमान आजकल स्टेज पे बहुत खाते पीते नजर आते हैं, उन्होंने ये कहा कि पानी पूरी आपको मुंह में रखना है और जो मैं गाना बोलूंगा वो गाना आपको गाना है। सलमान की फिल्मों का गाना रितेश ने गाया, जो काफी अच्छा मोमेंट था, बहुत इंजॉय करते हुए नजर आई। जब सिद्धार्थ की बारी आई थी तब सलमान इन लोग जानबूझ के उनके गाने को गेस नहीं कर रहे थे और बहुत ज्यादा उन लोग मजाक करते हुए नजर आए, वो स्टेज का बहुत अच्छा मोमेंट था जो दोनों ने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। तीनों ने साथ में डांस परफॉर्म किया, अपनी फिल्म का प्रमोशन किया और वहां से वो गए। उसी के बाद जब वो घर में गए थे तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ ये टास्क हुआ था कि आप एक दूसरे पर अपना गुस्सा उतार सकते हैं, वहीं रितेश और सिद्धार्थ ने ये भी एक टास्क दिया था कि इन दोनों की टीम में लोग डिवाइड होंगे और वो एक सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल में जो भी सामान रखा जाएगा वो सामान आपको हाथ से पकड़ना और वो भागना है। तो सबसे पहले आसिम और माहिरा को चुना गया था। अब माहिरा को ये बात समझ में ही नहीं आया कि क्या मुझे वो बॉटल उनको लगा मुंह से उठाना है, तो वो उठा ही नहीं पाई और आसिम लेकर भाग गया, जिसपे काफी मजाक भी बनते हुए वो नजर आई है क्योंकि उनको बात समझ में, वो मुंह खोल के वहां खड़ी रही और उन्हें ऐसा लगा। तो ये चीजें हुई थी जहां पे हर कोई आया था, देवो हो, रश्मि हो, आरती हो, हर कोई आया, अपना अपना गेम खेला, काफी फन मोमेंट था, लोगों ने एंजॉय किया, डांस किया और वहां से भी, उस घर से भी उन्होंने गुड बाय बोला और वहां से गए। वहीं पे वाइल्ड कार्ड, जो इतने दिनों से बात चल रही थी कि प्रोमो भी आउट हो गया था विशाल आदित्य सिंह घर के अंदर जाने वाले, वहीं फाइनली वो आए घुंघरू टूट गए गाने पे डांस करते हुए वो नजर आए। वहीं पे सलमान के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया, जहां पे वो अपने गले पे जो चैन डालते हैं उनके बहुत सारे राज उन्होंने खोले कि मैं अपने गले में ये चैन के जो लॉकेट से वो टप जाता हूँ, मेरी जिंदगी में औरतें या लड़कियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं और मुझे जब उनका कोई गिफ्ट मिलता है वही मैं अपने गले में डाल लेता हूँ। तो सलमान ने इस चीज पे बोला कि अच्छा ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका तो सब छीन लेंगे, सब बेच डालेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो उसको बाहर ही छोड़कर जाता हूँ। ये सारी चीजों पे बात हुई है। वहीं सलमान खान ने उनके साथ खेला एक गेम, उन्होंने एक चिट निकाला है और उस चिट पे काफी ऐसे सवाल पूछे गए थे जहां पे चिट पे ये लिखा गया था और हाथ में लॉलीपॉप दिया गया था और ये कहा गया था वो लॉलीपॉप आप तब बाइट करेंगे जब आप उस चीज को आपने लाइफ में किया है। तो वही पहला सवाल उनका ये था कि क्या आपने अपनी बड़ी उम्र की लड़की को डेट किया है। वही सलमान खान ने भी उस चीज को बाइट किया और उन्होंने भी क्या बोला, हाँ हमने ये किया है। उसी के साथ काफी मजेदार क्वेश्चंस थे। उसी के साथ एक और क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग था कि क्या आप 5 साल के अंदर शादी कर सकते हैं, तो सलमान ने भी इस चीज पे हामी भरा
और सलमान ने ये भी बात कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे सवाल मेरे लिए बनाए गए हैं, सिर्फ जरिया तुम हो, सारे पूछे मेरे लिए ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ सलमान आने वाले 5 सालों में, तो चलो ये बात कंफर्म है कि वो शादी करते हुए नजर आएंगे, जिसका इंतजार अब तक किया जा रहा था कि सलमान कब शादी करेंगे, किससे शादी करेंगे। उसी के साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, सलमान ने शहनाज से ये बात पूछा कि आपको लोग कटरीना कहते हैं तो हिमांशी आपको क्या कहते हैं, तो हिमांशी ने कहा मुझे ऐश्वर्या कहते हैं। सलमान उस पर काफी चुप्पी मार लिया और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो शहनाज ने ये कहा कि हाँ कुछ भी हो, कटरीना ज्यादा सुंदर है, ऐश्वर्या नहीं। तो उन्होंने, सलमान ने इस पर कमेंट करके बोला रियल लाइफ। तो कहीं ना कहीं वो शहनाज से काफी नजर आ रहे हैं। वहीं सलमान की दो जो एक्स रह चुकी हैं, चाहे वो ऐश्वर्या हो या कटरीना, अब दो वो शो प्ले करती हुई नजर आ रही हैं, भले उनकी डुप्लीकेट ही क्यों ना सही, इन दोनों के बीच में कैट फाइट जमकर हो रही है। साथ में जहां गलतफहमी गुब्बारे की बात आती है, बलून की बात आती है, तो ये गेम बहुत कॉमन है। घर के अंदर को बुलाया गया, सबको बोला गया कि आप जाके अपने बलून का हेयरबैंड लगाएं, और उसके बाद लोगों ने एक दूसरे के गलतफहमी के बलून तोड़े गए। वहीं देवो और शेफाली ने एक दूसरे को अपना टारगेट बनाया था और बनाए ही रखा। बहुत सारी चीज़ों का लोगों ने जो भी चीज़ें थी कि मुझे इसलिए तोड़ना है, मुझे इसलिए तोड़ना है, लोगों ने एक दूसरे का तोड़ा। और मतलब उस मोमेंट पे भी वो एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि सलमान की डांट का असर घर के अंदर अब थोड़े हद तक तो नजर आ रहा है। उसी के साथ जहां मैंने आपको कहा शावर गेम होता है, इस बार कपल को चुना गया था, सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम को चुना गया था। उधर इन दोनों की दोस्ती बहुत खास है, और वहां पे ऐसा था कि आपको व्हाइट बोर्ड दिया जाएगा, उनसे जो सवाल पूछा जाएगा कि घर में वीक कौन है, वाइल्ड कार्ड सबसे स्ट्रांग कौन प्ले कर रहा है, आपको एक ही आंसर दोनों को देना है बिना देखे, और जो सही आंसर देगा और उसके सही आंसर को घर वाले एग्री करेंगे तो उन पे शावर नहीं जाएगा। तो क्या था, घर वाले तो मजे ले रहे थे, वो किसी पे कुछ हाई नहीं बोल रहे थे, सब पे शावर हो रहा था। काफी मजेदार गेम था, क्योंकि घर वाले फाइनली एक साथ बैठे हुए इतना ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आते। मैं तो बोलूं इनको हर रोज शावर ही करवाइए, क्योंकि कम से कम लोग हंसते हुए तो नजर आएंगे घर के अंदर। ये चीज हुई थी। वहीं शहनाज और भाऊ की ग्रुप गई थी, देवो और रश्मि की टीम गई थी, काफी सब इंजॉय करते हुए नजर आए, हंस रहे थे। पारस और माहिरा गए थे, पारस और माहिरा की एक भी आंसर सेम नहीं थे, दोनों काफी फन करते हुए नजर आए। ये सारी चीजें बिग बॉस हाउस में हुई है। वहीं आने वाले वक्त में केसारी किस तरह का गेम प्ले करेंगे। विशाल जहां घर के अंदर गए, और विशाल को ये मौका सलमान ने दिया था कि आप गलतफहमी के बलून्स टूटते हुए देखिए, उसके बाद आप घर के अंदर जाएंगे। वहीं सलमान ने अनाउंसमेंट किया कि घर के अंदर कोई आने वाला है, तो शहनाज ने कहा, पहले सलमान ने कहा कोई जाने वाला है, तो शहनाज ने कहा क्या आप मुझे निकाल रहे हैं, मतलब वो अपने अंदाज में उन्होंने बात किया। वही सलमान ने बोला नहीं कोई आ रहा है, तो उन्होंने बोला क्या कोई ना आ रही है। परवान में विशाल आदित्य सिंह को देखकर लोग वहां पे काफी खुश हुए, पर विशाल आते ही लोगों के गलतफहमी के बलून तोड़ते हुए नजर आए, और उन्होंने हर किसी को कुछ बात कहा, जहां सिद्धार्थ शुक्ला का गुस्सा बहुत करते, रश्मि को कहा कि आप टारगेट बनाते हो, ये सारी चीजें लेकर हुआ है। वहीं पे शहनाज को कहा है कि आप स्वीट ज्यादा ये है, वहीं पे हिंदुस्तानी भाव को ये कहा है कि मैं आपके पोल खोलूंगा। ये सारी चीजें हुई है, जिसको सब लोग ने पहले बहुत लाइटली रहा। वहीं आरती को ये कहा कि आप अपने दम पे नहीं खेल रही हैं, जिसपे बाद में जब ये सारी चीजें खत्म हो गई लोग काफी खुश थे। वहीं पर उसके बाद आरती उनके पीछे पड़ी थी कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि आप छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता है कोई आपके बारे में क्या कर रहा है। ये सारी चीजें हुई हैं। वहीं विशाल बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, ये सभी को पता है। विशाल और सिद्धार्थ शुक्ला या आसिम हो या भाऊ हो, इनका गेम किस तरह का होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आपको विशाल आदित्य सिंह का ये एंट्री कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाले नॉमिनेशन में आप किसे देखते हैं, प्लीज ये भी मेंशन कीजिएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।